हेलो एवरीवन आज हमारा इंग्लिश का क्लास है और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में इंग्लिश रीडियर का हमारा टेंथ चैप्टर विजिट टू ताजमहल स्टडी करेंगे ओके लेट स्टार्ट इट टीचर स्टूडेंट्स द स्कूल बॉड डिसाइडेड टू टेक यू ऑन अ ट्रिप ऑफ टू डेज हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू गो ऑन द ट्रिप सैंडी सर वे आर वी गोइंग टीचर वी ऑल गो टू आगरा मैंडी सर वॉट इज़ देर इन आगरा टीचर आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस इट इज़ रिनोड फॉर इट्स मोन्यूमेंट द ताजमहल टीचर कहता है जैसे कि एक क्लासरूम है और एक टीचर है ठीक है यहाँ पे टीचर एक क्लास का सीन है जहाँ पे एक टीचर आते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं कि बच्चों हमारा स्कूल एक ट्रिप पे जा रहा है और आप लोग में से बताइए कि आप लोग में से कौन कौन बच्चे ट्रिप पे जाएंगे? तो उसी में से एक बच्चा पूछता है कि सर हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो टीचर कहते हैं कि हम लोग आगरा जा रहे हैं मैंटी कहता है कि सर ऐसा क्या है आगरा में जो हम लोग वहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं तो टीचर कहते हैं कि वो हिस्टोरिकल प्लेस है यानी कि जहाँ पे बहुत सारी इमारतें होती हैं हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो इमारतें होती हैं वो है और वहाँ वो एक्चुअली फ़ेमस है ताजमहल एक्चुअली तो ताजमहल सबको आई मीन हम सब जानते हैं ताजमहल कहाँ है और क्या है ओके okay? सैंडी यस आई नो द ताजमहल इज़ अ मेड ऑफ वाइट मार्वल एंड एंड अ ग्रेट एम्पेयर एंड हैड बिल्ड इट टीचर येस दोज हु वॉन्ट टू गो टू द एग्जिबिशन प्लीज़ गिव मी योर नेम विशाल स्टार्ट ऑन सैटरडे मॉर्निंग फ्राम द स्कूल सैटरडे मॉर्निंग ओके सेंडे कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ताजमहल वाइट मार्वल से बना और काफ़ी मतलब किसी बड़े एम्पर ने यानी राजा सेन शाह ने बनाया था टीचर कहते हैं कि हाँ और और जो भी जाना चाहते हैं जिनका फाइनल है कि जो जाएंगे वो अपना नाम सैटरडे मॉर्निंग को दे देंगे सुबह सुबह तक सैटरडे मॉर्निंग आता है टीचर स्टूडेंट्स हैव यू ऑल स्टक योर आइडेंटिटी कार्ड कार्ड्स ऑन योर शर्ट्स येस सर स्टूडेंट ये सर टीचर गुड ना आई विल कॉल योर नेम वन बाई वन एंड यू विल एंटर द बस तो टीचर कहता है कि आप सब लोग आइडेंटिटी कार्ड रख लिए हैं अपने शर्ट में अपने पॉकेट्स अपने शर्ट के पॉकेट्स में जैसे जैसे मैं नाम बुलाऊंगा वैसे, वैसे वैसे आप लोग को इंटर करना है बस में तो चलिए In the bus, students, we shall, we shall now soon start for Agra. We all have lots of fun on the way. If anyone wants anything, please tell me. Mala, sir, please tell us something about Agra. Teacher, Agra is a city in Uttar Pradesh. Many Mughal emperors have ruled this city. Shah is the most famous of them. He loved his wife Mumtaj Mahal, Mahal very much. After the death of his wife. शाहजहाँ बिल्ट अ मैग्नीफिशन टॉम इन हर मेमोरी दिस वॉज द मकबरा ऑफ फेमस ताजमहल तो स्टूडेंट को कहा जाता है जब बस में और कहा जाता है कि अब हम लोग आगरा के लिए जल्दी ही निकलने वाले हैं और किसी को और बहुत मज़े करेंगे और किसी को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो टीचर्स को बोलेंगे उसी में से एक स्टूडेंट बोलती है माला के सर आप कुछ आगरा के बारे में बताइए ना तो टीचर कहता है कि आगरा है वो उत्तर एक उत्तर आई मीन उत्तर प्रदेश में एक सिटी एक शहर है जहाँ पे मुगल एम्पायर ने बहुत सालों से राज किया है उनका रूल काफ़ी था इन फैक्ट शाहजहां वहाँ के बहुत ही फेमस थे और उन्होंने ही मुमताज के याद में जब उनके उनकी, उनकी वाइफ मुमताज की जब डेथ हो गई उसी के याद में ताजमहल बनवाया था जोसेफ व्हाट इज स्पेशल अबाउट द ताजमहल सर टीचर ताजमहल इज सपोज टू बी वन ऑफ द सेवन मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ऋषि आर दे आर एनी अदर प्लेसिज इन आगरा वट सींग सर टीचर बिसाइड ताज वी कैन सी दयाल बाग इन आगरा नियर आगरा इज़ फतेहपुर we can see वी कैन सी फेमस पंचमहल तो जोसेफ सॉ जोसेफ कहता है कि सर स्पेशल क्या है ताजमहल में तो टीचर कहते हैं कि ताजमहल इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द सेवन मॉडर्न मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोग कहते हैं ना सात अजूबे जो साथ मतलब जो अजूबे हैं उसमें इसकी गिनती होती है ताजमहल की क्योंकि ये कभी भी मतलब इसका रंग नहीं बदलता ये काफ़ी काफ़ी पुराना बना है और आज तक ऐसा कारीगर नहीं मिला जो इसके जैसा कुछ बना सके तो ऋषि कहता है कि क्या सर ऐसा कुछ और है जो हम ताजमहल के अलावा देख सकें आगरा में तो बताते हैं कि हाँ फ़तेहपुर सिकड़ी में हम बहुत कुछ देख सकते हैं जहाँ पे पंचमहल है वो भी देख सकते हैं टीचर स्टूडेंट्स वी हैव डीज द ताज I will take you inside. Be careful. Do not disperse. Omi, sir, but I do not see any Tom here. Rubika, Tom is inside. Teacher, yes, we will go this way to the Tom. Follow me, you all. So this is the famous Taj Mahal. Teacher कहते हैं कि अब मैं आ, हम लोग Mahal पहुँच गए हैं और मैं आपको अंदर ले जाऊंगा और और कोई भी इधर उधर फैले इधर उधर जाएगा नहीं कोई भी इधर उधर भटकेगा नहीं जिधर जिधर हम लोग जाएंगे उधर उधर चलना है तो ओमी कहता है कि सर मैं कोई टॉम नहीं देख पा रहा हूँ तो रूबिका कहती है कि टॉम अंदर होगा एग्जैक्टली exactly. तो धीरे धीरे जब सब लोग फॉलो करता है सर को और सर कहते हैं कि ये है ताजमहल जोसेफ वाओ इट्स स्पलेंडेड माला इट्स ग्रैंड ओमी इट्स सुपर टीचर येस इज इट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स येस सर तो जोसेफ कहता है कि क्या खूबसूरत है माला बहुत ही बड़ा है बहुत ही विशाल है ओमी कहता है काफ़ी सुपर है बहुत सुंदर है यह टीचर कहता है क्या ये नहीं लगता कि देखिए ये तो ये ब्रिलियंट नहीं है क्या तो सारे स्टूडेंट कहते हैं ये सर डेविट सर इट हैज़ टू पिलर्स इन फ्रंट ऑफ इट टीचर येस इट हैज टू पिलर्स बिहाइंड इट एज वेल तो डेविड कहता है कि सर इसके आगे दो पिलर हैं तो टीचर कहते हैं इसके पीछे भी दो पिलर हैं ओमी फ्रॉम हियर वी कैन नॉट सी द अदर टू पिलर्स रूबिका वी कैन सी देम वेन वी रीच नियरअर रेखा रूबिका यू नो अ लॉट अबाउट ताज दूबिका येस ई हैव बिन टू द टच वंस बिफोर तो रूबी आई मीन ओमी कहता है कि सर हमने हम सिर्फ आई यहाँ से सिर्फ हमें दो ही पिलर दिख रहा है तो रूबिका कहती है कि हम उसके बाद जाएंगे तो उस हमें दो पिलर और देखेंगे नज़दीक जाने पर तो, तो रेखा कहती है कि तुम रूबिका तुम ताज के बारे में बहुत जानती हो तो रूबिका कहती है कि हाँ मैं पहले भी ताज विज़िट कर चुकी हूँ जोसेफ हु प्राउड यू बिफोर आई हेयर बिफोर रूबिका आई केम अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स माला सर हाउ होल्ड इज़ दिस मोन्यूमेंट टीचर दिस इज़ हंड्रेड ऑफ ईयर्स ओल्ड सो से बट दिस लुक सो न्यू जो सब कहता है कि तुम्हें कौन ले के आया था यहाँ से पहले ताज पे ताज महल पर तो रूबिका कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी माला कहती है कि सर ये कितना पुराना मोन्यूमेंट होगा तो टीचर कहते हैं कि कम से कम सौ साल पुराना है तो जोसेफ कहता है लेकिन अभी भी ये न्यू लगता है माला सर हाउ दैट इट्स कलर्स डिन नॉट फेड ऑल इन दिज ईयर्स टीचर बिकॉज द क्वालिटी ऑफ मार्बल एक्सेलेंट बिसाइड दैट द गवर्नमेंट अ लॉट ऑन इट्स मेंटेनेंस तो माला बोलते हैं कि सर ये सालों साल ऐसे कैसे बरकरार रहता है इसका इसकी चमक इसका वही खूबसूरत ना इसका रंग ढंग बदलता है टीचर कहते हैं कि इसकी इस इस मार्बल जो आ, क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है मतलब ऐसी मारब, ऐसा मार्बल मिलना बहुत महंगा होता है और जल्दी मिलता नहीं है और इसके अलावा गवर्नमेंट इसके मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है रूबिका सर व्हाई डू वी कॉल द ताज अ मॉन्यूमेंट टीचर बिकॉज इट ऑब्जर्व्स अ हिस्टोरिकल इवेंट नाउ दिस गेट विल टेक अ इनसाइड द ताजमहल रूबिका कहती है कि सर हम ताज को मॉन्यूमेंट के नाम में गिनती क्यों करते हैं क्योंकि तो टीचर कहते हैं क्योंकि एक ये है जो हिस्टोरिकल इवेंट को कलेक्ट करता है एग्जैक्टली exactly. मतलब ये शाहजहाँ के टाइम पे बना हुआ था काफ़ी पुराना बना हुआ है इसको हिस्टोरिकल में गिनती आता है माला सर इट्स सो डार्क इन आई कैन नॉट सी प्रॉपरली जोसेफ आई एम स्कैड टीचर डो नॉट बी फ्राइटेंड आई एम विथ यू कैन यू सी द टू ग्रेव स्टोन सीयर तो माला कहते हैं कि सर ये तो बहुत अंधेरा है अंदर मुझे डर लग रहा है मुझे कुछ दिख नहीं रहा है जोसेफ़ कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है सर कहते तुम लोग डरो मत और शांति से देखो क्या तुम्हें वो दो पत्थर दिख रहे हैं ग्रेव दिख रहे हैं डेविड यस सर व्हाट आर दी स्टोन्स टीचर दिज आर ऑफ शाहजहां एंड मुमताज महल देखा बट सर यू टोल्ड अस दिस इज मकबरा ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां हैड बिल्ट इन इट हर मेमोरी देन हाउ डैट शाहजहां गेव ग्रेव इज हेयर मतलब कि इन दोनों का मतलब ग्रेव ग्रेवस यहाँ पर कैसे आया टीचर कहते हैं यस बट शाहजहां एंड मुमताज़ लव आ, लव वॉज़ वेरी फेमस सो आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहाँ हिन्ग हिज ग्रेव नियर मुमताज़ ग्रेव मतलब दोनों का जो वो था बॉडी थी वो वहीं पे था उस, उस पत्थर से बना हुआ तो सब पूछते कि सर मुमताज के मरने पे वहाँ बना था तो जहाँ पे उन दोनों का वो भी तो मुमताज का सिर्फ ग्रेप स्टोन रहना चाहिए था क्योंकि वो पहले मरी थी और उनके या उनके याद में बना था ये ताजमहल तो कहते हैं टीचर कि जो उनका बेटा था ना वो शाहजहाँ के बेटे ने शाहजहाँ के मौत के बाद उनकी डेथ के बाद अपनी मम्मी के बगल में या मुमताज के बगल में ही शाहजहाँ का भी ग्रेब स्टोन लगवा दिया रूपिका येस द रियल वनसा जस्ट बिलो इट नाउ लेट गो टू द बैक साइड ऑफ ताज तो रूबिका कहती है कि हाँ इसके 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 नीचे ही इसका रियल वन इसके अंदर ही चलो पीछे चलते हैं और देखते हैं ताज को टीचर लुक हाउ स्प्लेंड ऑफ द शैडो ऑफ ताज लुक्स इन द वाटर ऑफ यमुना वहाँ पे यमुना नदी बहती है ठीक है वहाँ पे जो नहर है थोड़ा सा वो यमुना से यमुना का पानी ही कनेक्टेड है तो वहाँ पे सर कहते हैं देखो तो ताज जो ये यमुना की नदी में कितना खूबसूरत लग रहा है देखा है सर सी द मून हैज रेजन हाउ ब्यूटीफुल डेविड आई फील द ताज इज़ लुकिंग इवन मोर ब्यूटीफुल टीचर ये द ब्यूटी ऑफ ताज इनहेंड इन द मून लाइट यू आर लकी इट इज़ फुल मून टू नाइट देखा कहती है कि सर देखिए चांद निकल आया और कितना खूबसूरत लग रहा है ताज पे डेविड की हाँ ताज ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है चाँद की रोशनी में टीचर कहते हैं कि यस द ताज द ब्यूटी ऑफ ताज इन एनहेंस्ड इन मून लाइट मून लाइट मतलब ये टीचर कहते हैं कि चांद की रोशनी में ताज की ब्यूटी और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है यू आर लकी यू आर लकी इट इज़ फुल मून टू नाइट पहले होता है ना कि हाँ हम लोग लकी हैं कि पूरा चाँद है कभी कभी आधा चाँद होता है ना माला सर आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग फ्राम हेयर टीचर बट वी विल हैव टू मूव नाउ आई विल गिव यू समेबल्स इन द बस दैन वी विल स्टार्ट फॉर द स्कूल माला कह रही है सर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं मन लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ बड़ा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का टीचर कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा और बस में जाने के बाद मैं तुम्हें कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए देता हूँ खाने के लिए उसके बाद हम स्कूल के लिए निकलेंगे सो दिस वॉज योर चैप्टर इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है कोई डाउट हो तो फिर पूछना है एटलीस्ट दो बार आप इस चैप्टर को देखें ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ ओके okay?